लास्ट 5 डेज की बात करें तो अभी संक्रमण का दौर है और हम लोग के यहाँ पे जो संक्रमितों की संख्या है उसमें अचानक से गति देखी जा रही है। जैसे हम आज की बात करें तो आज ही 19 लोगों का संक्रमण हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ के अखबार मीडिया के जो लोग थे, सोशल सेक्टर्स के जो लोग थे, उनके राय से फैसला ये हम लोगों ने उठाया है कि हम लोग अगले 5 डेज के लिए सिटी एरिया को, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को हम लोग लॉकडाउन में रखेंगे। 15 तक लॉकडाउन रहेगा हमारा, और 15 को एक बार फिर से हम लोग का इसका हम लोग के साइड से एक बार रिव्यू होगा। रिव्यू के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या स्थिति है। यदि लगेगा तो उसके बाद हम लोग एक्सटेंशन भी देंगे। यदि उस समय तक स्थिति अच्छी रहती है तो फिर ढील हम लोग देंगे। आवश्यक वस्तुएं जो रहेंगी उसको फुल फ्री रहेंगे, उनका दुकान जैसे ओपन होता है वो ओपन होगा। जो हमारे यातायात के साधन हैं, गाड़ियां हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगेगी। लेकिन जो अनावश्यक वस्तुएं हैं या फिर जो ऐसे ही ओपन हो रहा है ये सब दुकान, उस पर रोक रहेगी। और हम लोग का जो भी रोक रहेगा वो हम लोग सख्ती से लागू होगा इस बार। हम लोग लास्ट 5 डेज की बात करें तो अभी संक्रमण का दौर है और हम लोग के यहाँ पे जो संक्रमितों की संख्या है उसमें अचानक से गति देखी जा रही है। जैसे हम आज की बात करें तो आज ही 19 लोगों का संक्रमण हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ के अखबार मीडिया के जो लोग थे, सोशल सेक्टर्स के जो लोग थे, उनके राय से फैसला ये हम लोगों ने उठाया है कि हम लोग अगले 5 डेज के लिए सिटी एरिया को, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को हम लोग लॉकडाउन में रखेंगे। 15 तक लॉकडाउन रहेगा हमारा, और 15 को एक बार फिर से हम लोग का इसका हम लोग के साइड से एक बार रिव्यू होगा। रिव्यू के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या स्थिति है। यदि लगेगा तो उसके बाद हम लोग एक्सटेंशन भी देंगे। यदि उस समय तक स्थिति अच्छी रहती है तो फिर ढील हम लोग देंगे। आवश्यक वस्तुएं जो रहेंगी उसको फुल फ्री रहेंगे, उनका दुकान जैसे ओपन होता है वो ओपन होगा। जो हमारे यातायात के साधन हैं, गाड़ियां हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगेगी। लेकिन जो अनावश्यक वस्तुएं हैं या फिर जो ऐसे ही ओपन हो रहा है ये सब दुकान, उस पर रोक रहेगी। और हम लोग का जो भी रोक रहेगा वो हम लोग सख्ती से लागू होगा इस बार हम लोग का।